नमस्कार ट्रेडर्स, कोटक की एक्सपायरी अपडेट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं सहज अग्रवाल आज आपसे ओवरऑल मार्केट आउटलुक और इमीडिएट वीकली एक्सपायरी की कुछ लेवल शेयर करूंगा। सो ओवरऑल मंथली लेवल पे हमें 18,075 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। हमारे अनुमान से जब तक ये लेवल सस्टेन करता है, मार्केट का ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहने की उम्मीद है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम मोमेंटम स्टॉक्स में लगा सकते हैं 18,075 का लेवल ध्यान में रखते हुए। एक्सपायरी रिलेटेड यदि हम बात करें तो जैसे बताया ओवरऑल मंथली मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है। सेंटिमेंट में कुछ गिव अप है जहाँ पे ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है बट शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट हल्का सा नेगेटिव हुआ है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक रेंज में हम रह सकते हैं। एफआईआर प्रो के पोजीशंस की यदि हम बात करें तो इंडेक्स ऑप्शंस में नेट लॉन्ग पोजीशंस देखे गए थे, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में मिक्स्ड एक्टिविटी थी। तो यहाँ पे भी हमें कोई डायरेक्शनल प्ले नहीं मिल रहा है। यदि हम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप को देखें निफ्टी के, तो 18,400 के पुट में और 18,500 के कॉल में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी में 42,400, 42,500 पुट और 42,500 कॉल में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो दोनों ही काफी नैरो रेंज सजेस्ट कर रहे हैं, विच इज इन लाइन विद दी मिक्स्ड पोजीशन जो हम एफआईआर प्रो में देख रहे हैं, और हम में जो मोमेंटम और सेंटिमेंट में थोड़ा एक पॉज दिख रहा है। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि ओवरऑल एक्सपायरी के लिए 18,250, 18,550 का रेंज रह सकता है, और इस रेंज के अंदर ही इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन।